हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा कुविद आकांक्षा स्टाइल के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कप बारी सूजी लेंगे, उसमें हाफ कप दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा। मैं पालक और धनिया पत्ता को अच्छे से वॉश करके बारीकी चॉप कर ली हूँ, तो इसे सूजी में डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें से कोई एक स्किप भी कर सकते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर अभी ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, बस मैं इतना मिक्स कर रही हूँ जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। इतनी ही देर में स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो 1/2 टीस्पून इसमें मस्टर्ड सीड डाले हैं और इसे चटकने देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। 3 उबले आलू को मैं मैश कर ली थी, इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ, तो ये फ्रोज़न मटर है। आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इसे भी चला लेंगे। तीखा के लिए इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे, तो पनीर बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं। और इसे भी चला लेंगे। नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है तो स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं स्टीम करने के लिए केक टिन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें ऑयल से ग्रीस कर ली थी पहले ही। और इसमें मैं बैटर को पहले हाफ बैटर इसमें डालूंगी। और इस तरह से पहले डैब डैब कर देंगे जिससे इक्वली ये इसमें अच्छे से सेट हो जाए। स्टफिंग रेडी की थी उसका मैं टिकिया बना ली हूँ, तो टिकिया को एक करके इस तरीके से रखते जाएंगे। आप चाहें तो एक ही बार में इस तरीके से टिकिया बना करके बीच में रख सकते हैं, तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ही रख रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से रखने से क्या होगा ना कि मिर्चे टूटेंगे भी नहीं। फिर इसे डैब डैब कर देंगे। फिर जो हाफ बचा हुआ बैटर था उसे ऊपर से डाल देंगे और इस तरीके से कवर कर देंगे। इसे बराबर इक्वल ही कवर करेंगे।
स्टीम करने के लिए मैं स्टीमर में पानी डाल दी हूँ पहले ही, इसे स्टेनलेस में रख देंगे। उसके बाद इसमें केक टिन को भी रख देंगे। ऐसे मीडियम फ्लेम पे ही ढक करके 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। उसके बाद चेक करते हैं तो 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ, तो मैं इसे नाइफ के से चेक कर लेती हूँ। अगर नाइफ क्लीन है तो ये अच्छे से स्टीम हो गया है। तो ये देखिए नाइफ मेरा एकदम क्लीन है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो गया है तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद ये प्लेट में अच्छे से निकल जाएगा, ये देखिए। और ये टीन भी देखिए कितने अच्छे से क्लीन है। तो सूजी का ये नाश्ता रेडी है खाने के लिए। आप चाहे तो इसे मसालेदार भी बना सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही खाने वाली हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये स्टीम हुआ है। तो बस इसे मैं कट कर लूँगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अगली रेसिपी में मिलती हो, टेक केयर एंड बाय।